कृष्णल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर है जयराम दास दौलत राम थे। क्वेश्चन नंबर चौथा, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? इसका बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। अगला प्रश्न, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 941.63 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बिहार का राज्य फूल क्या है? बिहार का राज्य फूल गेंदा है, सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूत के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग हुआ था? झारखंड सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पक्षी है? इसका सही उत्तर है गौरैया बिहार का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का प्रयोग करती है? इसका सही उत्तर है मैथिली भाषा तिरहुत का प्रयोग करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वह किस भगवान को समर्पित है? इसका सही उत्तर है रवि को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है दशरथ मांझी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में कितने सांसद बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका सही उत्तर है 40। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है बिहार बंधु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मैथिल कवि कोकिल या मैथिली की कवित्री कोयल के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है विद्यापति जी को। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन सी है? इसका सही उत्तर है संथाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद के अंतर्गत कितने गणराज्य शामिल थे? इसका सही उत्तर है 16। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर की गुफाएं किस जिले में हैं? बराबर की गुफाएं गया जिले में हैं। वैशाली शहर की राजधानी कहाँ स्थित है? वैशाली शहर की राजधानी लिच्छवी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1999 में। बिहार का प्रसिद्ध आंदोलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर 1974 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष चंपारण में किसानों ने नील की खेती की शर्तों के खिलाफ आंदोलन किया था? इसका सही उत्तर है 1914 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के राज्य पशु के रूप में किसे मान्यता दी गई है? इसका सही उत्तर है आक्स या बैल को दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजा को पटना पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अजातशत्रु को। अगला प्रश्न देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है चित्रंजन दास ने की थी। बिहार का डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? इसका सही उत्तर है बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4595 किलोमीटर है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।